नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्पबॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे आप जो आप डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, आप हर जगह डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आप कैसे सिक्योरली रख सकते हैं ऑनलाइन, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी जगह पर से डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल बटन है वो दबा दीजिए, क्योंकि हम जो भी हेल्पफुल वीडियो पोस्ट करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सिक्योरली डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए गूगल ने बहुत पहले सिस्टम और ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है गूगल ड्राइव। अब बहुत लोग तो इसको यूज़ भी करते होंगे, तो उसका यूज़ फिर से अच्छी तरह से देख लीजिए और जो नया है उसके लिए हम पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मोबाइल में आप अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो नीचे देखिए ट्रायंगल रहेगा ऐप के अंदर, तो ये ट्रायंगल में आपको क्लिक करना, ये है गूगल ड्राइव ऐप। तो गूगल ड्राइव ऐप जब आप ओपन करेंगे उसके बाद नया होगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा। मैंने एक थोड़ा फाइल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो आपको डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए और अच्छी तरीके से सजा के रखने के लिए सबसे पहले आपको फोल्डर में रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले में जो प्लस साइन है वहाँ पर दबा दीजिए, क्लिक कीजिए, उसके बाद फोल्डर में क्लिक कीजिए। तो फोल्डर में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसे आएगा, तो उसका फोल्डर नाम दे दीजिए कुछ भी, जैसे मैंने दे दिया डॉक, तो उसके बाद ओके कर दीजिए तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फोल्डर क्रिएट करने के बाद अगर आप फोल्डर के अंदर कुछ सेव करना है तो फोल्डर में क्लिक कीजिए। फोल्डर में देखिए अभी नो आइटम है तो ब्लैंक है, उसके बाद ब्लैंक में कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड सेव करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस आइकन में क्लिक कीजिए। प्लस आइकन में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अपलोड, मिडिल में फोल्डर तो मैंने क्रिएट कर लिया, इसके अंदर भी आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर फिर से फोल्डर में क्लिक करके जैसे आप मोबाइल में या कंप्यूटर में करते हैं, तो मैंने फोल्डर नहीं क्रिएट करूँगा, मैं डायरेक्ट अपलोड में जाता हूँ। अपलोड में क्लिक करने के बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे वीडियो, ऑडियो, कुछ PDF, डॉक, कुछ भी फॉर्मेट का फाइल, इमेज, कुछ भी सेव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ पर है मेरा। मैं गैलरी में चला जाता हूँ, गैलरी में तो सब कुछ इमेज रहेगा मेरा, तो मैं एक इमेज सेव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा इमेज है, तो एक तो इमेज मैं अपलोड कर देता हूँ, तो ये वाला इमेज मैं अपलोड कर देता हूँ, देखते हैं अपलोड होते नहीं होता है। तो देखिए अपलोड हो रहा है। हाँ देखिए अपलोड होने के बाद एक प्रॉब्लम होता है यहाँ पर हार्ड ड्राइव में, ये डायरेक्ट अपलोड नहीं होता है। यहाँ पर देखिए एक रिफ्रेश बटन है उसको दबा देने से अपलोड हो जाता है, तो रिफ्रेश बटन दबा दिया, देखिए आप अपलोड स्टार्ट हो गया। देखिए अपलोड अभी हो रहा है, तो कुछ देर में कंप्लीट हो जाएगा। खूब ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट होगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन यह तो छोटा डॉक्यूमेंट है। देखिए अपलोड हो गया कंप्लीट। देखिए आगे यहाँ पर अभी इसको हम यूज़ कैसे करेंगे ये आपको बताते हैं, ठीक है। अब यूज़ करने के लिए ये डॉक्यूमेंट मेरा देखिए फोल्डर जाते हैं, मेरा दो ठो फोल्डर है, ये वाला एक तो है माय डॉक्यूमेंट नाम का, इसके अंदर एक इमेज है, इसके अंदर इमेज कुछ भी रख सकते हैं, और डॉक नाम का ये भी अभी जो क्रिएट किया ये, तो ये मेरा ड्राइव में सेव करके सेव होकर रह गया। आप किसी भी जगह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दूसरे किसी को शेयर करना चाहते हैं ये इमेज को तो शेयर भी कर सकते हैं। तो कुछ भी करने के लिए सबसे पहले आप उसको क्लिक करके रखना होगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे जो डाउनलोड बटन है, आप किसी भी जगह से डाउनलोड जब कर देंगे तो ये आपको आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड हो रहा है, और दूसरा जो फंक्शन है इसको आप वो भी देखा देते हैं। तो दूसरा फंक्शन देखने के लिए यहाँ पर जो सिलेक्ट करना होगा उसके बाद नीचे देखिए ट्रिपल डॉट है वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ट्रिपल डॉट में क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ गया, जैसे ऐड पीपल, अगर आप ऐड पीपल में क्लिक करके किसी को ऐड करेंगे तो वो अगर इस फाइल को एक्सेस कर सकेगा। वहाँ पर आपको परमिशन भी होता है कि ये एक्सेस सिर्फ देख सकेगा या कुछ वहाँ पर चेंजेस कर सकेगा, ऐसा भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक, अगर आप कॉपी लिंक में क्लिक करेंगे देखिए लिंक कॉपी हो गया। तो लिंक कॉपी होने के बाद आप किसी को इस लिंक को आप शेयर करेंगे तो वो लिंक से ये इमेज को डाउनलोड कर सकेगा। कॉपी लिंक शेयरिंग में से आप किसी को फोटो नहीं भी सेंड कर सकते, जैसे किसी को आपको आधार कार्ड देना है या कोई वीडियो देना है तो आपको वीडियो देने में बहुत टाइम लगेगा, आप इसको एक बार सेंड करेंगे फिर से वो डाउनलोड करेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। आप सिर्फ इसको वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए,
वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। ये हो गया दूसरा फंक्शन। तो उसके बाद देखिए, यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रीनेम, यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारा फैसिलिटीज़ है ये ड्राइव में, गूगल ड्राइव। तो आप इसको यूज़ कीजिए, और ज़्यादा से मतलब जो मोबाइल में रखने से जो प्रॉब्लम होता है डॉक्यूमेंट्स को, कि डिलीट हो जाता है, खो हो जाता है, दूसरा कोई एक्सेस कर लेता है मोबाइल में, अगर गैलरी में या फोल्डर में रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर आप रख देंगे तो मतलब ये ज़िंदगी भर के लिए कभी डिलीट नहीं होगा, फॉर्मेट नहीं होगा, क्योंकि गूगल सिक्योरली आपका डॉक्यूमेंट रखेगा। और आपको तो मेल आईडी में तो होता ही, एंड्रॉयड अगर आप यूज़ करते हो तो मैं एंड्रॉयड मेल आईडी के बिना तो खोलेगा नहीं, तो ऑलरेडी आपका अकाउंट तो है। तो ये ड्राइव को यूज़ कीजिए, बहुत हेल्पफुल होता है। अगर बाहर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होता है तो डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी जगह पर। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेगा, अगर कुछ सजेशन है तब भी लिखेगा, और एक लाइक बटन जो है उसको दबा देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे कुछ नया वीडियो के साथ।